मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आपने इस बारे में कुछ सोचा? मैं भी एल्चिन को नहीं बता सकता। हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा वोल्कान। लौटने के बाद तुम्हारे अंकल और मैं इस बारे में सोचेंगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहें तो मैं जाकर अंकल से बात कर लेता हूं। जब तक आप वापस आएंगे वो कुछ तो पता कर ही लेंगे। ओके। पासपोर्ट मिल गया, अब हम चले सिनान। ओके। मॉम, आप ऐसे नहीं जा सकती। कुछ दिनों के लिए जा रही हैं, आप गुस्सा होकर नहीं जा सकती। शायद यही बेहतर रहेगा चाला। हो सकता है तब तक तुम सोचो कि तुमने क्या गलत किया है और तुम्हें कुछ सबक मिल सके। चलो। निहार, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने शांत कैसे बैठ सकते हो। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? कम से कम उसकी स्कॉलरशिप तो वापस ले ही सकते हो ताकि वो कॉलेज ना जाए। बेकार की बात मत करो सेल्डा। हम लोगों की मदद करते हैं और ये अच्छा काम है। इसका हमारे बेटे के अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग बात है। ओके, मैं समझ गई। तो बुराक को उस कॉलेज से निकाल दो, कुछ तो करो। उन्हें अलग कर दो ताकि उनका प्यार और स्ट्रांग हो जाए, बुराक गुस्सा हो जाए और फिर अपने पागलपन में जाकर उसी से शादी भी कर ले। भगवान ना करे, मैं उसकी कभी इजाजत नहीं देने वाली, कभी नहीं। देखो सेल्डा, सिनान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमने उसे जितना मना करने की कोशिश की थी वो उतना ही बशाक के करीब होता गया और बशाक उसकी जिंदगी बन गई। जब उनकी शादी हुई और हमने दखल देना बंद कर दिया तब उसे बशाक की सच्चाई पता चली। तुम्हें याद है कि नहीं ये बातें? तो तुम क्या करोगे बताओ? हमें उन्हें साथ रहने देना चाहिए। निहात, वो लड़की मेरे बेटे के लायक है ही नहीं, वो उसे खुश नहीं रख पाएगी। जो चीज जितनी बैंड होती है वो उतनी ही अच्छी लगती है, खासकर इस उम्र में। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो बुराक असल के करीब चला जाएगा, उसे असल मजबूर करेगी और वो उससे और ज्यादा प्यार करने लगेगा। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे सेल्डा। तो फिर हम क्या करें निहात? ओके, उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल कर दो और अकाउंट्स भी क्लोज कर दो। देखते हैं वो बुराक से प्यार करती है या उसके पैसे से प्यार करती है। बस तुम्हें यही सुझा है सेल्डा? हा? असल ने अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारी है, तुम इस तरह उसे दूर नहीं कर पाओगे। मेरे पास एक अलग आइडिया है, प्लीज ये सब मुझ पर छोड़ दो और इस बीच तुम बुराक से बात नहीं करोगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सेल्डा, मैं बहुत थक गया हूँ और हम बहुत टेंशन में हैं। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करूंगी अब मैं, तुम आराम करो। हेलो नेज़मी, क्या चल रहा है? आपने जैसा कहा था मैं उन पर नजर रखे हुए हूँ। अभी वो लोग कहाँ पर हैं? मिसेस सेल्डा के ड्राइवर हलील के घर में। ओके, तो तुम उन पर नजर रखो, अगर वो वहां से निकले तो मुझे बताना, खासकर असल। जी बिल्कुल मिस्टर निहार। Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkınsa olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan?
yaşanmamışlık sanki özünde. मैं तुम्हारे बेड पर सोया हूं, तुम्हारी महक के साथ सोने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज दुखी मत हो, एंड आई लव यू। Uçarsa aklımdan benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan, var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sevda mısın yoksa yalan dolan, püskül belamı derde salan, var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. Şükran, बुराक ना तो अपने रूम में है और ना ही लिविंग रूम में है, आखिर वो है कहाँ? वो घर पर ही होंगे मैम, उनकी कार तो बाहर ही खड़ी है, शायद गार्डन में होंगे, मैं देखकर आती हूँ। मैं देख लेती हूँ। बुराक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब आपको मेरे यहाँ रहने से भी प्रॉब्लम है? मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही हूँ, ये क्या हो गया है बेटा? अपनी हालत तो देखो तुम। मुझे कुछ नहीं हुआ है। दो दिन की आई लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हो, वो हमारे घर का चैन सुकून भी साथ ले गई। मेरा सुकून असले के साथ ही चला गया। उस लालची धोखेबाज के लिए तुम हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए बुराक। अगर आप ऐसे ही इंसल्ट करती रही ना असले की, तो मैं चला जाऊंगा। सुनो बुराक, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जुबान संभाल कर बात करो। तो आप भी असले के बारे में सोच समझ कर बोलिए। बुराक? नहीं, आप ये बात कभी नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि आपको कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं थी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूं या नहीं। बुराक, 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 कहाँ जा रहे हो? निहात, निहात, वो बुरा गुस्सा होके चला गया। निहात, तुमने ऐसा क्या किया सेल्डा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो उस लड़की के खिलाफ कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। बोलो सेल्डा, मैं चाहे कितना भी समझा लूं, तुम समझने की कोशिश ही नहीं करती हो, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम उसे असल के और करीब कर दोगी, पर करती रहो, बहुत बढ़िया, सही कर रही हो। मैंने कहा था ना कि मैं उससे बात कर लूंगा, क्या कहा था मैंने तुमसे? पर तुम कहाँ मानी? अरे वो मुंह लटका के बैठा हुआ था, तुम उससे रहा नहीं गया, वो उसके लिए आंसू बहा रहा था, तो मैंने जाके समझाया उसे। सेल्डा, मैं मानता हूँ कि असल बुराक के लिए ठीक नहीं है, पर बुराक में जो बदलाव आए हैं वो तो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो उससे प्यार करने लगा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। तुम जितना इस तरह बोलती रहोगी वो उतना ही उससे प्यार करेगा। मुझे डर है कि कहीं वो कोई पागलपन ना कर ले। ऐसा लग रहा है कि सिनान की कहानी को मैं फिर से देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं निहार, वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। उम्मीद तो यही है सेल्डा, सच में यही उम्मीद है, पर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज बुराक से बात मत करना, ओके?
ओके। मिसेज एमिल। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा ना? नहीं। मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेके आया हूँ। शुक्रिया, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही हैं आप? आप लोग अच्छे से सोई थी कि नहीं? इतना सब कुछ होने के बाद किसे नींद आती है खलील जी? ब्रेड एकदम गर्म है, आप लोग अभी खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। असल कैसी है? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। मिसेज एमिल, आप अपने आप को इतना दुखी क्यों कर रही हैं? क्या एक माँ अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकती है? ये सब उसे पहले ही सोच लेना चाहिए था अलील जी। मेरे लिए अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। जिन लोगों ने हमें काम दिया उन्हें भी हमने शर्मिंदा किया, ये निकाले जाने से भी खराब था। आज तक मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई है अलील जी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से बड़ा किया है, पर मैंने कभी अपने उसूलों को टूटने नहीं दिया। हाँ, कभी कभी हालात बहुत खराब हो जाते थे, फिर भी हार नहीं मानी। मेरी अपनी बच्ची ने वो कर दिया जो किसी दूसरे ने नहीं किया। अगर आज उमर जिंदा होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। मुझे यकीन है कि वो जरूर हमें देखकर आंसू बहा रहे हैं। आप ऐसे कैसे कह सकती है मॉम? क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है असल। मुझे अब चलना चाहिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप या डैड शर्मिंदा हो। मैंने बस प्यार किया है मॉम। तुम उससे प्यार करती हो? प्यार करती हो? इतना प्यार करती हो उससे? इतना कि अपनी माँ को धोखा दे सकती हो? आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? सिर्फ आप ही वो इंसान है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम छोड़ चुकी हो असल। अगर ऐसा नहीं होता तो कल जो हुआ वो कभी नहीं होता। असल, मैंने कितनी बार कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने मुझसे नजरें मिलाकर झूठ बोला है। बस इतनी कदर करती हो मेरी? पर मॉम, बस अब बहुत हो चुका है असल। पता है मैंने तुम्हें किस तरह से बड़ा किया है असल? सिर्फ अल्लाह जानते हैं। मुझे लगता था कि तुम्हें पता होगा, पर तुम्हें तो इसका एहसास भी नहीं है। तुम कहती हो कि तुम मुझे दुखी नहीं देखना चाहती। अगर ये सच है तो आज तुम फैसला कर लो, या तो मैं या तुम्हारा प्यार। मॉम, मैं भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। असलम, ये मेरा फैसला है। या तो अपने प्यार को भूल जाओ तुम, या आज के बाद फिर कभी मुझे मां मत कहना। मैंने आपको निराश किया है? क्या मैंने आपको निराश किया है? काश आप हमारे पास होते। हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप कहाँ चले गए?
पर मैं बॉम्ब को नहीं गवा सकती। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। आपकी बहुत याद आती है। हमें जल्द से जल्द घर ढूंढना होगा। हमारा फर्नीचर निहाद सर के स्टोरेज में रखा है। मिसेज एमिल, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। हम फर्नीचर को नीचे रख सकते हैं ना? शुक्रिया हलील जी, पर हम आपके मेहमान नवाजी का फायदा नहीं उठा सकते। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर मजबूरी थी हमारी। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लिए आपसे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। मैं फिर कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुमने फैसला कर लिया? मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम उससे फिर कभी नहीं मिलोगी और फिर कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। मैं वादा करती हूँ मॉम, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो किसी भी रुकावट का सामना कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि मुझे अब चलना चाहिए। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे भी जाना होगा, मैं बेकरी शॉप जा रही हूँ। शुक्रिया, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं वादा कर चुकी हूँ मॉम। ठीक है असल, तो ठीक है असल, चलो मेरे साथ। ओके चलिए। बोलो। वो अभी अभी घर से निकले मिस्टर निहाद। तो उनका पीछा करते रहो नेच में, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ जाती है। ठीक है, मैं उनका पीछा करता हूँ। ओके। मुझे जानना है, मुझे अभी जानना है, बताओ ना। खुद ही कॉल करके पूछ लो ना। बढ़िया आइडिया है, तुम कॉल करके पूछो ना कि उन्होंने तुम्हारे भाई का क्या हाल किया। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। आंटी ने आसले और उसकी मॉम को निकाल दिया होगा। बुराक गुस्से से पागल हो गया होगा और आसले के लिए उसका प्यार कई गुना बढ़ गया होगा। कुछ भी मत कहो। देख लेना, कुछ ही दिनों में बुराक आसले से शादी भी कर लेगा। क्या तुम ये सब मेरा दिमाग खराब करने के लिए बता रहे हो? नहीं, तुम्हारी हरकतों से हुई बर्बादी की वजह से बता रहा हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ। पर कहाँ? मैं मॉम से मिलने जा रही हूँ। अगर तुम उनसे मिल रही हो इसका मतलब तुम्हारे और उनके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, तो उन्होंने तुम्हें बता दिया होगा कि उन्होंने इतने दिनों तक तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया। क्या वजह रही होगी, मुझे जानना है। ऐसा सुनो, प्लीज जल्दी आ जाना, मैं नियात अंकल के यहाँ जा रहा हूँ, उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तो जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। वोल्कान, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इतने दिनों तक कॉल क्यों नहीं किया? वैसे तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए चाला। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए पूछ रही थी। ओके, अब मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी।
असलम, फोन ना रिसीव करने से मुश्किल हल नहीं होगी। तुम्हें उसे अपने फैसले के बारे में बता देना चाहिए। मुझे पता है अलील भाई, हम पेस्ट्री शॉप के करीब हैं, यहीं उतर जाती हूँ मैं। ठीक है। जान, थैंक गॉड जब तुमने फोन नहीं उठाया, मुझे फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। हे, तुम ठीक नहीं साउंड कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम नहीं जानते बुराक? जान, तुम ठीक कह रही हो, पर फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, हम बस लोगों को दुखी कर रहे हैं बुराक। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या, ब्रेकअप कर ले? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, पर अगर हम साथ रहेंगे तो किसी भी रुकावट का सामना कर पाएंगे, और तुम भी ये जानती हो। मुझे और भी जरूरी काम है बुराक, मैं अपनी मॉम का भरोसा जीतना चाहती हूँ। हमारे लिए यही ठीक रहेगा। अलविदा। मैं असले को नहीं खो सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो फोन नहीं उठा रही, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैंने बुराक से ब्रेकअप कर लिया। क्या? क्या? क्यों? पर क्यों? जरूरी था गौंजा, नहीं तो हालात और बिगड़ जाते हैं। उफ़, यकीन नहीं हो रहा मुझे। सेल्डा मैम ने हमें इंसल्ट करके घर से निकाल दिया। कल रात हम हलील भाई के घर रहे, तो अब आंटी को भी पता चल गया। गौंजा, हमने अपनी नौकरी और घर दोनों गवा दिए, और सबसे बुरी बात यह है कि मैंने मॉम को बहुत दुख दिए। मैंने कसम खाई है कि मैं बुराक से दूर रहूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। मैंने मॉम के लिए बुराक को छोड़ दिया। ओ मेरी प्यारी आसले, प्लीज तुम फिक्र मत करो, तुम पहले ही इतनी दुखी हो। मैं बुराक से बहुत प्यार करती हूँ, उसे मैं कैसे भूलूंगी? अब आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। अपने अंकल से मिलने जा रहे हो? हाँ। ओके, जब तुम्हें पता लग जाए कि क्या हुआ है तो मुझे प्लीज कॉल करके बता देना, ठीक है? चाला, आसले के बारे में बताकर तुमने हमारी डील ब्रेक कर दी है, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम गलत बोल रहे हो, शायद तुम नहीं चाहते कि बुराक को पता चले कि तुम भी उस डाउन मार्केट लड़की से प्यार करते हो, है ना? देखो चाला, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम, ठीक है ना? मैं ना तो बुराक हूँ और ना ही कनी, समझ गई? मजाक भी नहीं समझते हो क्या तुम? आह मेरी गुड़िया, कैसी हो मैं तुम? मैं ठीक हूँ। बैठो और बताओ, सब कुछ ठीक है? आप कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और शादी कैसी रही? ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों?
क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो गई थी। चाला उसका और बुराक का ब्रेकअप सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने हंगामा कर दिया। हमें लगा था कि असल मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, पर वो बुराक की गर्लफ्रेंड है। क्या मतलब? वोल्कान की भी गर्लफ्रेंड थी क्या? हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। ओके। काश उसने बुराक से ब्रेकअप ना किया होता। और क्या करती आयरदाम? असली के लिए उसकी मॉमी सब कुछ है, उसका और कोई भी नहीं है। एमएल आंटी बहुत ही गुरूर वाली लेडी है, वो ऐसे ही कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती। पर बुराक का परिवार भी सुलह नहीं करेगा। इसके लिए बुराक और असल को सफर करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, पर सबसे ज्यादा असल भुगत रही है। उसकी मॉम की नौकरी चली गई और वो बेघर हो गई है, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। डार्लिंग, हमें जल्द से जल्द उन लोगों के लिए घर ढूंढना पड़ेगा। हाँ पर कैसे? देखो, मेरे पास थोड़ा पैसा बचा है, वैसे भी हम असल के प्रोजेक्ट से भी तो पैसा कमाने वाले हैं, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। हम मैनेज कर लेंगे ना आयरदाम। बिल्कुल यार, असल हमारी दोस्त है, मेरी बहन जैसी है वो, और बुराक मेरा ब्रो है। ओह माय डियर, तुम कितने समझदार हो। आप कुछ और लेंगी मैम? क्या वो तुम्हारा ब्रेसलेट था शुक्रान? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैम, मैंने असल को बहुत बार वार्न किया था, मैंने उसे इस घर से दूर भी भेज दिया था, पर मैं नाकामयाब रही। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं भी ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी। मुझे तो तुम्हें भी नौकरी से निकाल देना चाहिए था शुक्रान। मुझे नहीं पता था जिस पर इतना भरोसा किया वो ऐसे इंसान निकलेंगे, मुझे धोखा देंगे। आप ठीक कह रही हैं मैम, जो फैसला आप करेंगी वो मुझे मंजूर होगा। मैंने कोई फैसला नहीं किया है शुक्रान, तुम प्लीज जाओ और अपना काम करो। अगर आज इन्हें दूसरी मेड मिल जाएगी तो ये मुझे जरूर निकाल देंगी। तो बुराक ने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे भाई को यूज किया, बाद में उसे सबको सफाई देनी पड़ी, यही हुआ ना? हमेशा ऐसा ही होता है, भैया हमेशा उसकी मदद करते हैं। पर उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे असल बहुत पसंद थी। अब पता नहीं मैं उस पर कभी भरोसा कर पाऊंगी भी या नहीं। मुझे यकीन है उसे मजबूर किया गया होगा। आप ठीक कह रही हैं, और शायद वो आंटी से डरती होगी। उसकी मॉम उनके घर की कुक थी, शायद अब वो वहाँ नहीं रह रहे हैं, आंटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया होगा। हैरानी की बात नहीं है, तुम्हारी आंटी सबको एक तराजू में तोलती है। पहले उन्हें लगता था कि मैं तुम्हारे डैड के लिए ठीक नहीं हूँ, और उन्होंने हमें दूर करने की पूरी कोशिश की, पर इंसाफ हो गया, उन्हें अपने कर्मों की ही सजा मिल रही है। जैसा किया वैसा ही भुगत रही है। एदा बेटा, पुरानी बातें करने के लिए माफी चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी आंटी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे डैड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होंगी, और अब वो बुराक को प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आप भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हैं। हालांकि मैं असल से गुस्सा हूँ, पर मैं भी उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। वो बहुत अच्छी इंसान है, जब भी मुझे मुश्किल होती वो मेरी मदद करती थी, उसने मुझे सपोर्ट किया है, सही राह दिखाई है। हाँ वो अच्छी इंसान है, पर सिर्फ इसीलिए कि वो गरीब है बड़े लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बेटा बेटा अपने दिल की बात सुनो, उसके मुश्किल वक्त में तुम उसका साथ दो बेटा। शायद आप ठीक कह रही हैं, असल को मेरे भाई की गर्लफ्रेंड होना चाहिए था। मुझे इस बात का दुख है कि मैं उससे गुस्सा हो गई। मुझे यकीन है कि तुम्हारे भाई की भी कोई अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जिस तरह डैड ने शादी कर ली, उसी तरह अगर भाई ने ऐसा डिसीजन ले लिया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई सही फैसला लेगा,
एदा मुझे कुछ जरूरी काम है तो जाना होगा बेटा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी अपने दोस्तों से मिलने जाना है। ओके, मैं बिल मंगवाती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, मतलब वो 4 महीने पहले छुट्टी थी? अच्छा, ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में सब कुछ पता करो, मुझे इंतजार रहेगा। आइए उल्कान सर। वेलकम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है आंटी, आप कैसी हैं? क्या लगता है वुल्कान, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही तो हो रहा था ना? देखिए आंटी, मैंने बार बार बुराक को समझाया था, मैंने आपको भी वार्न किया था, अगर मैं सीधा आकर आपको सच बता देता तो बुराक मुझसे रिश्ता तोड़ देता। ओके बेटा, पर अब हम क्या करेंगे बताओ? बुराक मेरी बात तो सुनता नहीं है, वो ना मेरी बात सुनता है ना तुम्हारे अंकल की सुनता है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं चाहता कि भाई भी वही गलती करे जो डैड ने की थी। मुझे भी लगता है कि असले भाई के लिए ठीक नहीं है। तुम ठीक ही कह रहे हो बेटा, पर ये सिर्फ एक ही इंसान समझ सकता है और वो है बुराक। उसने हमें बहुत दुख दिया है, उस लड़की के लिए उसने हमें छोड़ दिया है। मुझे यकीन है उसे अकल आ जाएगी आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके साथ रहूंगा और कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो तुम्हारे डैड और एल्चिन कैसे हैं, कोई खबर? अच्छे हैं, सब लोग ठीक हैं। सुनकर खुशी हुई, उनकी रस्म बर्बाद होते होते बची सच में। कैसे हो वुल्कान? मैं ठीक हूं अंकल। अच्छी बात है, मैंने सुना है कि तुम शादी की बात कर रहे थे, उम्मीद है हमारे जाने के बाद हालात नहीं बिगड़े। उन्हें पता तो लगा कि क्या हुआ लेकिन वो कुछ बोले नहीं। देखो मैं नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी के सबसे जरूरी दिन पर ऐसा कुछ हो, मुझे माफ कर दो। अंकल प्लीज, इसका आपसे क्या लेना देना, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होगी जब वो वापस आएगी। क्या मतलब? वही औरत अंकल। कौन, बशक? दरअसल उसने मेल्स कॉस्मेटिक्स के कुछ शेयर्स खरीदे हैं। क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि चाला के डैड एल्चिन के पार्टनर हैं, उन्होंने उसे बेच दिया। ये सच नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सिनान और एल्चिन को पता है ये बात? डैड को ये सब पता है, वो हनीमून के बाद एल्चिन को बता देंगे, वैसे भी वो ऑफिस जाएगी तो उसे पता चल ही जाएगा। वो औरत हमसे पंगा लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, अगर उसने सिनान की शादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो फिर मैं। प्लीज निहार, शांत हो जाओ प्लीज, वो औरत तुम्हारी हेल्थ से खिलवाड़ कर रही है। हाँ अंकल, आपको शांत रहना चाहिए, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, कुछ भी हो जाए मैं उससे बात कर लूंगा। उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, शायद उसने कम कीमत पर खरीदा होगा और वो ज्यादा कीमत पर बेचेगी, उसे सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अरे एल्चिन, वो वापस आएगी तो पागल हो जाएगी, सच में उसे बड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। वुल्कान, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज इन दिनों तुम बुराक को अकेला मत छोड़ना, उसका गानी से भी झगड़ा हुआ था, उस दिन वो हमारे घर आया था, तुम्हें पता है ना कि दोनों में इतनी दुश्मनी क्यों है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब तो वो दुश्मन बन चुके हैं। तुम बस सावधान रहना, ओके? मैं पता लगाता हूँ कि आखिर बात क्या है। और हाँ अंकल, आपको जेल के बारे में कुछ पता चला क्या? जेल के बारे में? नहीं 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 नहीं, बशाक जेल नहीं गई थी, उसने हमसे झूठ बोला था। वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। ठीक है, जो भी हो अंकल, मैं चलता हूँ। ओके बाय, मिलते हैं। अपने अंकल पर भी भरोसा नहीं कर सकता मैं, अगर ये झूठ बोल रहे हैं यानी कोई राज छुपा रहे हैं मुझसे। आसल, मैंने और आयरदाम ने तुम्हारे लिए घर ढूंढा है, कल तुम देखना चाहोगी? हम किराया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। कर सकती हो आसल, इन पैसों से तुम कर सकती हो।
नहीं गौंजा, मैं ये नहीं ले सकती। हमारे आखिरी ऑर्डर में तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ। देखो असले, ऐसी बातें मत करो। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है ना आयदा? हमारा पहले ही एडवांस से कॉस्ट कवर हो गया था। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमें कितने ऑर्डर्स मिले हैं? तुमने तो हमसे एक भी पैसा नहीं मांगा। प्लीज ये ले लो ना, एमएल आंटी को अच्छा लगेगा। हम कल घर देखेंगे, कोई तो पसंद आएगा। तो आयदम गाड़ी का इंतजाम करेगा और तुम लोग दिन में शिफ्ट कर लेना। हाँ सुनो ना असले, प्लीज ये पैसा ले लो। तुम यहाँ इतनी मेहनत करती हो, ये शॉप हम सबकी है, ये पैसा डिजर्व करती हो तुम। हाँ बिल्कुल असले, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, प्लीज ले लो ना, मना मत करो। ओके मैं ले लेती हूँ, पर ये उधार रहा। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू गौंचा, एहदम थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए प्लीज बैठिए ना मैम। आइए ना मैम प्लीज। थैंक यू। हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। सच में? हाँ मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम करूंगी, समझी? वाह थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर भी है। सच में? हाँ मैं एक कंपनी की पार्टनर बनी हूँ, मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ। तुम कुछ कंपनीज के लिए डिजाइन करोगी, हम साथ में कॉन्सेप्ट डिसाइड करेंगे और तुम उन्हें डिजाइन करोगी, ठीक है? पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, मैंने तो बस अभी तक केक्स और कुकीज ही डिजाइन किए हैं। असल मुझे तुम्हारे काम पर भरोसा है, तुम कितनी टैलेंटेड हो। हमारी कंपनी वेडिंग्स और बर्थडेज के कॉन्सेप्ट डिजाइन करेगी, तुम कंपनी के लोगोस डिजाइन करोगी। मुझे लगता है तुम ये काम आसानी से कर पाओगी। पता नहीं, मुझे कॉलेज भी जाना होगा और पेस्ट्री शॉप भी नहीं छोड़ सकती। फुल टाइम काम करने की जरूरत नहीं है, शाम को काम कर सकती हो। बहुत कम वक्त में तुम बहुत सारा पैसा कमा लोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सारा काम संभालो असल, तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी और हर डिजाइन पर कमीशन भी। हम साथ काम करेंगे और साथ मिलकर पैसे कमाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है मंजूर है। ग्रेट, मुझे खुशी हुई, हम बहुत कामयाब होंगे सच में। उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अब हम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं, ठीक है? ओके ठीक है। ओके मैं पेपर वर्क तैयार करके कल आती हूँ मिलने, ठीक है? ठीक है मैं आपको सी ऑफ करती हूँ। गुड बाय। गुड बाय, कांग्रेचुलेशंस, हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल। बाय। ओ असले यकीन नहीं हो रहा। हेलो, मैं चाहती हूँ कि पेस्ट्री शॉप के आसपास असल के लिए घर ढूंढो कल तक। ओके आइए, आपका स्वागत है। अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी गौंजा, अब मैं अपनी माँ के लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और उन्हें टेंशन फ्री रखूंगी। तुम कर सकती हो असल। हाँ मैं कर सकती हूँ। देखा ना पैसा ना होने की वजह से हमारे साथ क्या हुआ। मेरी मॉम को सब पता है, हमें अपने घर और नौकरी दोनों को गवाना नहीं पड़ता, ना ही हलील भाई के घर में रहना पड़ता। अगर हमारे पास पैसे होते तो। ऐसा मत कहो असल, मैं ये सब कुछ बदल दूंगी गौंजा। मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, हमें फिर कभी किसी के घर में या पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो असल तुम पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुकी हो, अब से तुम और भी बेहतर करोगी, बस कुछ दिन और। उम्मीद तो है गौंजा। आ गई यार। थैंक यू। ठीक है
मैं आपके लिए खबर लाई हूँ। किस चीज के पैसे हैं असल? ये शिफ्टिंग के लिए मॉम। ये मैंने अपने डिजाइन से कमाए हैं, मुझे थोड़ा एडवांस मिला है, मैं वापस दे दूंगी। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? हाँ मॉम, मैं सच कह रही हूँ। हो सकता है आपको मुझ पर यकीन ना हो, पर मॉम मैंने आपसे बस जिंदगी में एक ही बार झूठ बोला है। उम्मीद है तुम फिर कभी मुझे निराश नहीं करोगी असल। नहीं करूंगी मॉम। गौंजा ने पेस्ट्री शॉप के आसपास एक घर ढूंढा है, आप चाहे तो हम देख कर आ सकते हैं, अगर पसंद आए तो रेंट कर लेंगे। बढ़िया है ये तो। एक और खबर है मॉम। बताओ ना। मुझे नौकरी का ऑफर मिला है। आने के लिए शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बुराक, कैसे हो तुम? मैं पागल हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। आसले ने कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मैंने मिसेज एमएल उनकी बातें सुनी थी, वो अपनी माँ को ना नहीं बोल सकती है, वो भी सही है। तुम्हारी मॉम का बर्ताव अच्छा नहीं था और जो कुछ भी हुआ है उससे एमएल टूट गई हैं। उनके लिए इज्जत बहुत मायने रखती है। मेरी मॉम ने गलत किया, बुरा तो लगना ही था, पर वो मेरी फैमिली है और मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। तुम भी ठीक कह रहे हो। जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारा रिश्ता मान नहीं लेती तब तक तुम असल से दूर ही रहो। मिस्टर हलील, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। किसी भी तरह उन्हें असले को एक्सेप्ट करना ही होगा, किसी भी कीमत पर। मैं सच में यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और मैं जल्दी से जल्दी मिसेज एमएल से इस बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी वाकई में बहुत जरूरत है। असल बेटा, इंशाल्लाह ये काम तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उम्मीद तो है मॉम, आप देखिएगा मैं कामयाब होकर रहूंगी। अच्छा कॉलेज का क्या होगा? आपको पता है मुझे पढ़ने की कितनी इच्छा है मॉम, पर अब मैं ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकती और शायद अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं रात दिन काम करके ग्रेजुएशन कर लूंगी। आप देखना मॉम कितनी जल्दी आप उन सारी बातों को भूल जाएंगी। असल मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। शायद तुम इस वक्त मुझसे नाराज हो और तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें समझती नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है। प्यार जितना सुंदर होता है उतना दुख भी देता है, मुश्किलें खड़ी करता है। हाँ, है मॉम, मैं बहुत दुखी हूँ। पर जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई हमसे ऐसा बर्ताव नहीं कर पाएगा। तुमने खाना खा लिया? मैं ये सब उठा दूँ, तुम जाओ पढ़ाई करो। ठीक है मॉम। Mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.